छठ पर्व को लेकर बाजारें सज गई हैं। इस वक्त हम बाजार समिति में हैं और आप सीधे देख सकते हैं जो है वो मंडियां लग गई हैं और यह सेब अनार का जो है नाशपाती का जो है ये मार्केट है और जो है समय से पहले जो है सभी गाड़ियां यहां पे आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है यहां पे जो है अनार है जो है नाशपाती है वो सब पहुंच गया है और हम जानेंगे ही छठ के पहले सभी गाड़ियां पहुंच गई है। नहीं अभी कल पहुंचेगा परसों पहुंचेगा दो राउंड पहुंचेगा गाड़ी। तो क्या ये जो लौट आया है इससे भरपाई हो जाएगी? नहीं भरपाई होगी, किराया बहुत ज़्यादा है, दाम नहीं लग रहा है। तो क्या किन की कौन कौन सी वैरायटी की आपके पास सेब है अनार है? कश्मीर का है, नासिक का अनार हो गया, हिमाचल का शिमला हो गया, कश्मीर का भरटीज हो गया। ये आप लोग यहाँ से विभिन्न जिलों में भी सप्लाई करते हैं? नहीं पेटी पेटी ही सप्लाई करते हैं। तो क्या क्या डिमांड आ रहा है जिलों? नो डिमांड, नो डिमांड। क्या इस बार छठ कैसे बने? छठ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, माल ज़्यादा है, खरीदार कम है। तो आपने सुना ये यहाँ बाजार समिति में है, ये अपना जो है गोदाम लगाए हुए हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि बाजार नहीं है, माल स्टॉक ज़्यादा हो गया है लेकिन ख़रीदार अभी नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, दो दिन बचा हुआ, 28 तारीख से जो है वो छठ का जो है जो पहला दिन होगा और उसके बाद 29 को होगा 30 और 31, यानी चार दिन का जो है महापर्व छठ है उसकी शुरुआत 28 तारीख से होगी। लेकिन अभी भी जो है वो बाजार सज चुके हैं लेकिन अभी भी ग्राहकों का इंतज़ार किया जा रहा है।